इस प्रकार हिंदी सिनेमा में हर अभिनेता की आवाज बने। उदित नारायण ने हजारों फिल्मों में अपनी आवाज देकर लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई। यही आवाज हिंदी फिल्मों के साथ साथ भोजपुरी फिल्मों में भी कमाल करती जा रही है। इसी प्रकार उन्होंने अंधेरी पश्चिम के एक स्टूडियो में भोजपुरी फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग की, जिससे फिल्म के हीरो और फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काफी खुश दिखाई दिए। आप क्या कहेंगे सर के साथ, आप जब स्क्रीन शेयर करेंगे तो? मेरा अहोभाग्य होगा क्योंकि सर को मैं बचपन से देखता आया हूँ मैं, और मैं सर के साथ काम करूंगा, ये मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात होगी कि मैं सर के साथ खड़ा रहूंगा। वही बात मैं भी कहूंगा, क्योंकि इंसान की सीखने की सीमा कभी नहीं होती। कुछ ये मुझसे सीखेगा, कुछ मैं इससे सीखूंगा, इट इज़ रेसिप्रोकल। और कोई भी इंसान, कोई भी एक्टर अकेला काम नहीं कर सकता है। अगर मेरा और मेरे एक्टर का ट्यूनिंग अच्छा नहीं है तो सीन कभी अच्छा नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। इसीलिए बड़े बड़े स्टार के साथ जो सो कॉल्ड छोटे रोल हैं उनमें अच्छे एक्टर क्यों लिए जाते हैं? ताकि बड़ा अच्छा, बड़ा एक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, क्योंकि उनको रिस्पांस बराबर मिलेगा। तो इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट। बात की जाए किरदार को, तो किस तरह से किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में? इस फिल्म में एक्चुअली ये कैरेक्टर एक कॉप का है, एक पुलिस इंस्पेक्टर का है, और बट सिस्टम के खिलाफ, ये सिस्टम इतनी वहाँ की ख़राब हो चुकी है तो इसको एक आम नागरिक बन के सिस्टम के खिलाफ ही आवाज़ उठाता है, क्योंकि कानून की हदें एक कॉप, कानून की हदों में एक कॉप बंधा हुआ रहता है। तो वो इस फिल्म में वो हदों को साइड करके एक अत्याचार और डॉन माफियाओं के खिलाफ ये आवाज़ उठाता है घुस के मरब की। जैसे कि आज आमतौर जो फिल्में बनती हैं फैमिली ड्रामा या रोमांटिक फिल्में बहुत बेस होती हैं, बट आपकी जो पहली फिल्म थी फौजी बेस पे, फौजी के जीवन पे थी, और इस बार ये करप्शन के, तो आप इस तरह सब्जेक्ट का ही क्यों चुनाव करते हैं? नहीं, नक्सलाइट नहीं है सर। मैं आपको बताऊँ, मैं कि फौजी मेरी पहली फिल्म थी और फौजी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। एक इंडियन आर्मी पे आज तक भोजपुरी में कोई फिल्म नहीं बनी थी, एक मीन्स पूरी वॉर बेस फिल्म थी, और एक फौजी की समस्या को उजागर नहीं किया गया था। लोग कहते थे भोजपुरी फिल्में में सिर्फ वल्गरेटी होता है, ये होता है, वो होता है। उससे अलग हटके सिनेमा दो तरीके की होती है। सर से भी पहले के ज़माने से भी सिनेमा चलती आई है। हर सिनेमा में दो पहलू रहते हैं, एक वल्गरेटी जो पेश होती है वो पब्लिक डिमांड होती है, और एक सेंसिबल सिनेमा। तो सेंसिबल सिनेमा के तहत फौजी बनाई गई थी, और मेरे बैनर में जो फिल्में बनेगी वो पूरी आप लोगों का प्यार, जिस हिसाब से मुझे फौजी में मिला दर्शकों का प्यार, उसी हिसाब से एक सेंसिबल फिल्में मैं बनाता रहूँगा। नहीं, आप फौजी बैकग्राउंड से हैं तो कहीं वो भी कुछ आपको विरासत में आता है? डेफिनेटली, मुझे प्राउड है कि मेरा बैकग्राउंड फौज से रहा है। मेरे पापा आर्मी में आर्मी में थे, और मैं खुद आर्मी में जाने वाला था, पर दर्शकों का प्यार मुझे यहाँ पे खींच लाया और एक्टर बन गया। आर्मी वाला ही काम है ये भी, आर्मी वाला ही काम है। पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस बॉर्डर पे जाना तो बात की जाए गीत संगीत की, तो आप फिल्म किस संगीत दिया है? परिवेश दर्पण जी ने, जो हमारे फौजी के अरेंजर थे, काफी हिंदी फिल्मों में वो संगीत दे रहे हैं, काफी बड़ी फिल्मों में संगीत दे रहे हैं। और इसके गीत लिखे हैं राणा सिंह जी ने, वो काफ़ी बजरंग में अभी उनके गाने हिट हुए हैं, और काफ़ी अच्छे गाने लिखे हैं, और उदित भैया उनके गीतों को स्वर देंगे, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं वो। यह उससे पहले डीएस फिल्म इंटरटेनमेंट के तमाम टेक्नीशियंस के, तमाम लोगों के हम बधाई देते हैं कि आज एम्पायर स्टूडियो नंबर 1 में मुहूर्त हो गई, और टाइटल इतना शानदार टाइटल है, घुस के मारब, जकर हीरो और ये फिल्म के ऑल इन ऑल हमार भाई शिवम तिवारी जी हूँ, उनका बहुत बहुत शुभकामना मुबारकबाद देव, और हमारा पूरा विश्वास बा कि जैसन टाइटल बा वैसने ये फिल्म बनी, और आज टाइटल सॉन्ग के रिकॉर्डिंगों हाँ, आज जेकर ये फिल्म के संगीतकार परिवेश दर्पण साथ है, गीतकार हम राणा साहब रहलन, हमरा खुशी बात के बा कि
शुभम तिवारी जी भोजपुरी, सॉरी कन्फ्यूजन हो जाला, पहले ठीक बोल ली ना, हाँ वो आदमी कन्फ्यूज है। नहीं नहीं सॉरी, मैं कॉमेडी करता रहता हूँ, खुद ही कॉमेडियन हूँ जी। हमारा पूरा विश्वास बा कि शिवम तिवारी जी भोजपुरी सिनेमा के एक बहुत बड़ा पिलर हूँ एज ए एक्टर, और लास्ट टाइम एक फिल्मों बनैलन जेकर नाम रहल फौजी, और फौजी इतना बढ़िया फिल्म बनैलन और हम देखनी फिल्म के, फिल्म बहुत बढ़िया लागल और बहुत शानदार कामयाब रहल फिल्म। नहीं सब हम सब के हैं, हम तमाम भोजपुरियन के हैं। तो ये टाइटल बा घुस के मारब, जैसन टाइटल बा वैसने फिल्म बनी, और एक बार फिर से हम शिवम तिवारी जी के मुबारकबाद देते हैं, शुभकामना देते हैं कि जैसन टाइटल बा घुस के मारब वैसने फिल्मों हुई और डेफिनेट हुई। विश यू ऑल द बेस्ट। तो क्या एक बार फिर आप यूडी मूवी से इस फिल्म को प्रेजेंट करेंगे फौजी की तरह? अब देखें जरूर करब, एखन यूडी मूवी रहल या डीएस फिल्म्स रहल तो डी तो आ गई ना, आए कहीं से भी एक अक्षर तो मिल गई ना, और जरूर करब। अपने फिल्म बा सब अपने लोगन बा, और आप सब ये समझत हैं कि उदित नारायण अगर कुछ पढ़ के कुछ बढ़िया हुई तो डेफिनेट काहे ना पढ़ब। शिवम तिवारी जी एज ए अभिनेता का कहे चाहब आप? अभिनेता शानदार हैं शिवम भाई, और जैसन पर्सनैलिटी वैसने कामों करता शिवम जी, और एज ए प्रोड्यूसर वो सफल प्रोड्यूसर हैं, और हम ऊपर वाला से कहब कि शिवम भाई जब तक रहें ऐसे शानदार एक्टिंग करें और एक न हजारों लाखों भोजपुरी फिल्म बनाएं, ताकि हम सब भोजपुरियन लोग के और मजा आए उनका देख के और उनकर फिल्म देख के। गीत संगीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गीत संगीत तो फौजियों के बहुत शानदार रहल, और घुस के मारब के तो बहुत बढ़िया हुई। काहे कि जे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जे संगीतकार हैं, परिवेश जी दर्पण जी दोनों एकदम जानकार लोग हैं एज ए टेक्नीशियन हो एंड एज ए कंपोजर हो, तो ये बहुत बढ़िया हुई। दर्शक खातिर दो लाइन एक अपन मनपसंद भोजपुरी गाना सुना दे। अपने फौजी में, जब तक जान में जान बा तिरंगा झुक नहीं पाई, जब तक जान में जान बा तिरंगा झुक नहीं पाई, उ खाक में मिल जाई जे हमरा हिंदुस्तान से टकराई। 15 अगस्त आ रहा बा, काम लग जाए। अच्छा, चलते चलते एक सवाल दारा सिंह जी के लिए, का कहचाम का? दारा सिंह जी के बारे में हम लोग क्या कहें, हम लोग तो बच्चे हैं, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब होश संभाले तभी से उनको देखा सुना, और कई बार उनकी पहलवानी भी हमने देखी है एज ए एक्टर पहलवानी, और एज ए रियल लाइफ में भी पहलवान रहे हैं। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो अगर वो बीमार हैं तो सुन के दुख हुआ, तो हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे, हम सब लोगों को प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि जल्द से जल्द उनकी तबीयत में सुधार आए और वो फिर से अच्छे हो जाएं। और जिस तरह उन्होंने पहलवानी की ज़िंदगी में एक्टिंग के ज़रिए, पहलवानी के ज़रिए, अच्छे काम के ज़रिए, इसी तरह वो और भी पहलवानी करते रहें।